हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्थ। और मैं हूं, जैसे कि आप जानते हैं, आपका दोस्त लखन चौधरी। और दोस्तों, आज फिर मैं प्रेजेंट हूं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। दोस्तों, पिछला मेरा जो वीडियो था वो था हमारा मलेरिया और मलेरिया से होने वाले फीवर के ऊपर, कि मलेरिया होता क्या है, ये था हमारा टॉपिक। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मेरा है टाइफाइड के ऊपर, यानी कि टाइफाइड एक्चुअल में होता क्या है और टाइफाइड फीवर क्या होता है और ये किसकी वजह से होता है, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइफाइड एक तरह का मियादी बुखार होता है जो कि बहुत ही खतरनाक किस्म का फीवर होता है, और यह एक टाइप का इन्फेक्शन फीवर होता है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता रहता है। यह हर उम्र के व्यक्ति में, चाहे वो बच्चे हों या बूढ़े हों या सामान्य व्यक्ति हो, हर किसी के अंदर वो ये ईजिली हो जाता है। हालांकि इसे एंटीबायोटिक्स के जरिए ठीक किया जा सकता है, और अगर इस फीवर में जल्दी से जल्दी ध्यान नहीं किया जाए या फिर उसमें लापरवाही बरती जाए तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं एक्चुअल में टाइफाइड है क्या। दोस्तों, टाइफाइड एक प्रकार का फीवर होता है जो कि इन्फेक्टेड पानी को पीने से या उसको यूज़ करने से या उससे बनाए हुए भोजन को खाने से ये फैलता है। यह सेल्मिनोला टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। दोस्तों, यह बैक्टीरिया खाने द्वारा ही या पानी के द्वारा ही ह्यूमन से एक ही जगह से दूसरी जगह पे और लोगों में फैलता रहता है। वैसे कई बार ये मौसम चेंज होने पे भी टाइफाइड फीवर होता रहता है। इतना ही नहीं, अगर घर के अंदर किसी एक व्यक्ति को फीवर हो जाता है तो उसमें 90% चांसेस बन जाते हैं कि घर के और सभी मेंबर्स को भी टाइफाइड फीवर हो सकता है। इसलिए बाकी के सभी मेंबर्स को बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड के सिम्टम्स क्या होते हैं। दोस्तों, टाइफाइड होने पर इसका जो प्राइमरी सिम्टम्स होता है वो फीवर ही होता है, एक हाई टेम्परेचर फीवर होता है। अगर पेशेंट को टाइफाइड हुआ है तो उसको 103 डिग्री फारेनहाइट से 104 डिग्री फारेनहाइट तक फीवर हो सकता है। जनरली इसका जो फीवर है वो 1 से 2 वीक्स तक चलता है। टाइफाइड से पीड़ित पेशेंट को इसमें बहुत हाई टेम्परेचर फीवर हो सकता है, और इसमें उसको चेस्ट कंजेशन, सर दर्द या शरीर के बाकी और किसी पार्ट्स में दर्द और दस्त जैसे परेशानियां जो हैं, ये सारे सिम्टम्स एक टाइफाइड पेशेंट के अंदर शो होते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड, यानी कि जो टाइफाइड है हम उसको किस तरह से डायग्नोस करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि किसी पेशेंट को टाइफाइड फीवर है। तो इसके लिए करते क्या है दोस्तों, सबसे पहला जो इसमें होता है कि जो पेशेंट है उसको उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट करके तब हम उसका पता लगा सकते हैं उसके ब्लड के अंदर टाइफाइड का बैक्टीरिया है कि नहीं। दूसरा, पेशेंट का स्टूल टेस्ट करके स्टूल के अंदर टाइफाइड बैक्टीरिया की मौजूदगी भी ये चीज़ रिप्रेजेंट कर देती है कि उसको पेशेंट को टाइफाइड है कि नहीं। और दूसरा हम बात करते हैं विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट भी एक टाइफाइड का ही दूसरा पार्ट होता है। जनरली क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड ठीक भी हो जाता है तो होती ऐसी रेयर कंडीशंस होती हैं कि पेशेंट को सालों साल तक, 1 साल या 2 साल तक उसका विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता रहता है। उसके लिए करना क्या होता है, पेशेंट को एक स्पेसिफिक टाइप के अपने टेस्ट कराने होते हैं। जनरली तो इसमें विडाल और स्टूल टेस्ट से ही स्टार्टिंग होती है, और उसके बाद में और काफ़ी टाइप के हाई लेवल जो टेस्ट होते हैं उनके कराने के बाद में एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और दोस्तों, होता क्या है कि कभी कभी इन्फेक्शन टाइफाइड के दौरान इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने पर पेशेंट के पेट में काफ़ी दर्द रहना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को सोनोग्राफी भी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट की, कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, टाइफाइड जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू होने वाला एक फीवर है, तो इसमें क्या होता है कि इसके ट्रीटमेंट के लिए मोस्टली एंटीबायोटिक्स चलाई जाती हैं। एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन्स और जो गोलियाँ होती हैं वो दी जाती हैं।
इस अगर शुरू स्टार्टिंग में टाइफाइड का पता चल जाए तो इसका 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर ट्रीटमेंट में ही पेशेंट को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। और उसी के साथ में पेशेंट को कुछ इसमें डॉक्टर की तरफ से एडवाइस दी जाती है परहेज रखने के लिए कि ऑयली चीज़ें नहीं खानी है या जंक फूड नहीं खाना है या फिर फास्ट फूड टाइप के ऐसा कुछ नहीं खाना है, बहुत ही सॉफ्ट फूड खाना होता है और पूरी तरह से परहेज करना होता है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों वैक्सीनेशन ऑफ टाइफाइड, क्या टाइफाइड की वैक्सीन है, तो हम इसके बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों TY20A एक लिविंग वैक्सीन है जो कि किसी भी पेशेंट को उसको मौखिक द्वारा दी जाती है, यानी कि उसको एक टैबलेट होती है जो कि मुंह के द्वारा ही उसको खिलाई जाती है। इस वैक्सीनेशन में होता क्या है दोस्तों, इसमें जब ये पेशेंट को दी जाती है तो ये स्टार्टिंग के 2 सालों तक इसका जो असर होता है यानी कि इससे जो हमको सिक्योरिटी मिलती है वो बहुत ही धीमी होती है, स्टार्टिंग के 2 सालों तक बहुत ही स्लो तरीके से होती है। इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस दौरान फीवर होगा ही नहीं बिल्कुल भी, उसमें हल्का फुल्का फीवर आ भी सकता है। एक जो बोलते हैं ना पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से सिक्योरिटी यानी कि एकदम प्रिकॉशंस मिलना, वो पूरी तरह से नहीं मिलती है स्टार्टिंग के दो साल तक। उसके बाद अगले 3 सालों तक इसका जो टोटल वर्क होता है वो 5 सालों तक होता है। अगले 3 सालों तक ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। इन 3 सालों में आपको टाइफाइड के बिल्कुल भी सिम्टम्स आपके अंदर नज़र नहीं आ सकते। और 5 सालों के बाद फिर इसको दोबारा रिन्यू कराना पड़ता है क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 5 सालों के लिए ही होती है। और हाँ दोस्तों, इस वैक्सीन को लेने के लिए कम से कम आपकी एज 5 ईयर्स होनी चाहिए, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं होती है।